सब लोग देख रहे हैं कि यही भैया आपको साजिद भाई को एक माइक गिफ्ट किया है कि और ये जो है माइक अभी सिर्फ इसके लिए लाए हैं बेचारा, एक माइक हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है रिकॉर्ड और भी क्वालिटी के साथ। अभी बिना माइक का हो रहा है, अभी अनबॉक्सिंग करेंगे तो माइक के साथ आपको इसका वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगा कि एक इनको माइक देना चाहिए क्योंकि अभी इसके पास माइक नहीं है। तो मैं एक माइक लेकर आया हूँ इसे गिफ्ट करने के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं दिसवाली स्थान के पास खड़ा हूँ और मैं इधर से क्रॉस कर रहा था, मैं जा था साजिद भाई के घर पर। तो मैं यहाँ पे वहाँ के दरबार में मत्था टेकने के लिए आ गया, चूँकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो है कि पहला स्टार्टिंग मैं यहीं से किया था और मुझे बहुत सफलता मिला, बहुत ही सहयोग रहा। और मैं जा रहा हूँ अभी साजिद खान के पास, इसी रास्ते से क्रॉस करा तो मैं सोचा कि माँ के दरबार में अपना सर को झुका लें, चूँकि माँ के दरबार में आने से सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। और पहला ब्लॉग मेरा यहीं से था तो मैं सोचा कि जाके दरबार में मैं अपना मत्था को टेक लूँ, तो मैंने माथा टेक लिया यहाँ पर माँ के दरबार में और अपनी अर्जी भी लगा लिया है माँ से। तो दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले हैं साजिद भाई के घर पे। आप सभी को पता है कि झारखंड के बहुत ही उभरते हुए कलाकार है साजिद भाई, जो कि बहुत ही वायरल वीडियो जाता है उनका, साजिद खान जी का। तो उसका अभी नया चैनल बना है, अगर आप उस चैनल को नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके चैनल को देखिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा चैनल का, तो जाकर साजिद भाई को सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और उसके पास तो फ़ोन आ चुका है, उसी फ़ोन से ये वीडियो अपलोड कर रहा है, लेकिन उसके पास बेचारे पास माइक नहीं है और उसके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं कि वो माइक खरीद सके। तो हम लोग सोचे कि हम और एक रिंटू भैया हैं जो कि साथ में खड़े हैं, तो हम और रिंटू भैया मन में प्लान किए कि चलो एक माइक उनके लिए खरीद के दिया जाए। तो एक माइक हम लोग ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से, जैसा कि देख सकते हैं, तो वो माइक आ चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं साजिद भाई के घर पर और उसे एक माइक जो है कि गिफ्ट कर देंगे जाकर घर पर, उसे अंदर में थोड़ा खुशी होगा। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी के शेयर से ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो और उस बच्चे को जाकर उस लड़के के पास सभी लोग जाते हैं, YouTube में वीडियो बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि सिर्फ वीडियो बनाकर चले जाते हैं लेकिन उसे कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि उसे सभी लोग सपोर्ट करें, भाई को हेल्प करें, जो भी आपसे बन पड़े प्लीज़ उसे सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी जाए वो कुछ ना कुछ उस लड़के के लिए लेकर जाए, उसे सपोर्ट करें, तभी वो लड़का आगे बढ़ सकता है। बहुत ही मिडिल फैमिली से, मिडिल भी नहीं बोल सकते हैं, पुअर फैमिली बोल सकते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं वो। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं साजिद भाई के पास, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, चलते हैं साजिद भाई के पास। इंदिरा चौक हम लोग आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग साजिद भाई के घर पे। हम लोग दोस्तों आ चुके हैं साजिद भाई के घर और ये उनका जीजा जी यहाँ पे आए हुए हम लोग को रिसीव करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आ चुके हैं साजिद भाई के घर पे और ये साजिद भाई है और ये उनके जीजा जी हैं। आपका नाम क्या है भैया? एस के सहलम। अच्छा, ये इनके साथ गया था अभी कोलकाता से घूम के आया है, बहुत मस्ती करके आया था। आप लोग तो वीडियो देख ही रहे होंगे। जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर मेरे चैनल के माध्यम से इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करता है। साथ आए हुए हैं रिंटू भैया जो कि बैठे हुए यहाँ पर, जैसा कि देख सकते हैं आप। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड के बहुत ही हुनर टैलेंटेड बॉय जो कि साजिद खान, उसका नाम एक चैनल खुला है, साजिद खान के नाम से एक चैनल खुला हुआ है। चैनल का नाम क्या आपका? डीजे बॉय साजिद। तो ये उनके जिया जी हैं जो कि मैनेज करते हैं सारा वीडियो को, थंबनेल वगैरह बनाते हैं। तो चैनल का नाम एक बार फिर से बोल दीजिए। तो हमारा चैनल का नाम है डीजे बॉय साजिद खान है। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ ये साजिद खान को सपोर्ट कीजिएगा, चूँकि ये झारखंड में तो नाम कमाया है लेकिन पूरे दुनिया में नाम कमाना है और नाम कमा ही रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये खुद का इसका चैनल है, ये चैनल खुद से बनाया है, मतलब कि मनोज भैया जो आए थे इनका चैनल बना दिए हैं और बेचारा अपने से खुद से बोलकर वॉइस रिकॉर्ड कर मतलब कि करता है। तो मुझे लगा कि फ़ोन तो हो गया है और चैनल वगैरह सारा चीज़ क्रिएट हो चुका है, सारा कुछ मनोज भैया कर चुके हैं, तो मुझे लगा कि एक इनको माइक देना चाहिए क्योंकि अभी इसके पास माइक नहीं है। तो मैं एक माइक लेकर आया हूँ इसे गिफ्ट करने के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये रहा, फ्लिपकार्ट से हम लोग ऑर्डर कर चुके थे सिर्फ साजिद खान के लिए, तो ये अभी माइक हम लोग ले आए हैं साजिद खान को देने के लिए। ये हम और ये मेरे मित्र हैं, हम दोनों मिलकर, ये रिंटू जी हैं, डीजे रिंटू धनबाद इनका चैनल है और मेरा वैष्णवी ज्ञान ब्लॉग्स चैनल है, तो आप लोग उससे भी सपोर्ट कीजिएगा जा करके। और ये जो है माइक अभी सिर्फ इसके लिए लाए हैं बेचारा, एक माइक हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है,
रिकॉर्ड और भी क्वालिटी के साथ, अभी बिना माइक का हो रहा है, अभी अनबॉक्सिंग करेंगे तो माइक के साथ आपको इसका वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगा। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा आप लोग और इसको सपोर्ट कीजिएगा। वैसे अनबॉक्सिंग कर सब लोग देख रहे हैं कि आपका चैनल का नाम वैष्णवी ज्ञान ब्लॉग। तो यही भैया आपको साजिद भाई को एक माइक गिफ्ट किया है कि साजिद भाई के माइक का दरकार है। तो भैया देख रहे हैं कि एक माइक ये बैग आ गया है, बैग है और अभी इसी माइक को लाकर चेक भी करने वाले हम लोग कि माइक का क्वालिटी अभी अच्छा है या फिर इसके बाद वाला अच्छा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि माइक कैसा है। ये देखिए बोया का माइक BY-M1, सभी यूट्यूबर्स लोग इसी को यूज़ करता है तो मुझे भी लगा कि इसी यही अच्छा रहेगा। पकड़िए इसको और ये रहा माइक। पेपर है लीजिए क्या, इसको रखिए, इसको बढ़िया से रखिएगा, इसमें फटफटिया का आप करेंगे, फटफटिया चला इसको रखिए। ये रहा माइक जैसा कि आप देख सकते हैं और अब अगला आवाज़ रहेगा साजिद भाई का। साजिद भाई कुछ बोलिए अपने चैनल के लिए। अभी इसको हम लगा देते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। लगाइए और बढ़िया सर दीजिए। तो अभी अगला आवाज़ जो है कि माइक के साथ आप लोग सुनेंगे, उससे पहले तो बिना माइक का था। अभी आप लोग कमेंट करके बताइए कि माइक कैसा है, आवाज़ कैसा जा रहा है, क्लियर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगला आवाज़ साजिद खान जी का, ये कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और हमारे गाइस यूट्यूब चैनल सिंगर साजिद खान DJ बॉय, तो प्लीज़ आप उसमें जाकर सपोर्ट करें और ये चैनल हमारी ही है तो प्लीज़ आप सभी का सपोर्ट का दरकार है बस। और कुछ अपना थोड़ा सा DJ का वॉइस निकाल कर सुना दिए, तभी तो सभी लोग कमेंट करेंगे कि माइक में वॉइस कैसा आ रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुन लिया है और बार बार क्या सुनिएगा, कहने का मतलब है कि इनका हर यूट्यूबर इनका जो है ब्लॉग आकर बनाते हैं तो इनका बहुत सारा बीट बॉक्सिंग जो है अपने वॉइस से निकालते हैं, तो आप लोग तो सुनते ही होंगे। तो ये उनका आवाज़ है और ये माइक में अब हमेशा जब भी ये वीडियो अपलोड करेगा तो इसी माइक से करेगा तो ज़्यादा क्वालिटी अच्छा आएगा। और अभी इसके बाद हम लोग और भी कुछ करने वाले हैं जो कि और भी एसेसरीज जो भी लगेगा मैं तैयार हूँ, इसके साथ हूँ। जो भी एसेसरीज वगैरह लगेगा जैसे कि ट्राईपोड वगैरह हो गया तो ट्राईपोड भी कोशिश करें कि ट्राईपोड भी ला कर दे दें, इससे होगा कि अपने खुद से वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग निकल रहे हैं अपना घर। साजिद भाई बाय।